यार क्या मेरी जॉब चली जाएगी? अब मैं बेरोजगार हो जाऊंगा? घर वाले तो घर से निकाल ही देंगे, और भाई साहब पापा ये सब सुन करके तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। यार ये सच में एआई इतना इंटेलिजेंट है हम लोगों से भी ज्यादा? यार एआई को भी अभी आना था, इंजीनियरिंग करके ही गलती कर दी है। तो यार जो जॉब रोल जो जॉब प्रोफाइल जिनको एआई काफी इजीली रिप्लेस करने वाला है यार। हेलो एवरीवन, इट्स मी अमृत आनंद। कैसे हो आप लोग? आई होप कि यार आप लोग मस्त होंगे, बिकॉज मैं पिछले कुछ दिनों से मस्त नहीं था, बहुत ही ज्यादा बीमार था यार, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में भी लेट हो गया। बट जैसे ही मैं ठीक हुआ वैसे ही मैंने तुरंत स्क्रिप्टिंग करा और आप लोग के लिए वीडियोज लेकर आ गया यार। अब आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ प्लीज यार, सपोर्ट दिखाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार यदि आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को भी लाइक कर दो। ऐसे सेम टाइप के वीडियोज यदि आप चाहते हो बार बार मिले तो, ऐसे बहुत सारी नए नए वीडियोज आने वाले हैं। तो यार जैसे ही मैं ठीक हुआ मैंने अपना वाइटी स्टूडियो ओपन करा और मुझे ये देखने को मिला कि काफी सारे लोगों ने यार, काफी सारे व्यूअर्स हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने यार सेम टाइप के वीडियोज के नीचे कमेंट किए हुए थे। तो सबके मेजोरिटी क्वेश्चन जो थे वो काफी सेम थे कि भैया क्या अब आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा? नो जॉब, नो ओपनिंग, नो न्यू हायरिंग्स, क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? अब हायरिंग फिर से स्टार्ट कब होगी? भैया आईटी इंडस्ट्री का कंडीशन डे बाय डे खराब होते चला जा रहा है। भैया क्या एआई हम लोग की जॉब रिप्लेस कर देगा? एआई हम लोग की जॉब खा जाएगा? ऐसे यार बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सेम थे, सेम टाइप क्वेश्चन लोगों के थे यार। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खास करके जो कॉलेज के थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, अभी जो कॉलेज में है यार, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कहीं मैंने इंजीनियरिंग चूज करके गलती तो नहीं कर दी। यार एक व्यूअर ने तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और डेफिनेटली मैं उनका सबसे पहले रिप्लाई करने वाला हूँ, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि भैया ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है, जॉब रोल्स है जिनको एआई वेरी इजीली रिप्लेस करने वाला है और लाइक फ्यूचर में वो जॉब प्रोफाइल खत्म हो जाने वाली है, वो बहुत ही जल्दी उनको एआई रिप्लेस कर देगा और वो फ्यूचर में जॉब प्रोफाइल खत्म हो जाएगी, ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है? तो ये मैं काफी जल्दी आंसर करने वाला हूँ, जस्ट मेरा पहला आंसर इनको होगा, जस्ट बिकॉज की काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी जेन्युइन क्वेश्चन है ये। तो यार ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे लोगों ने पूछा हुआ है, तो सेम है यार, सिमिलर क्वेश्चंस काफी सारे लोगों के हैं, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा वन बाय वन और आप लोग को आज इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या एआई हम लोग की जॉब खा जाएगी या नहीं, और ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल है जिसको सच में एआई रिप्लेस कर रहा है और वो जॉब प्रोफाइल यार डे बाय डे खत्म होते जा रहा है। तो आज आप वीडियो को डिटेल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार ये काफी सच है, 100% सच है कि फ्यूचर में एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि चैट जीपीटी है यार, ये कुछ ऐसे जॉब रोल है, कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसको वेरी इजीली रिप्लेस कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में वो जॉब रोल, वो जॉब प्रोफाइल खत्म हो जाए, उसकी हायरिंग खत्म हो जाए, उसके जगह पे यार लोग एआई को यूज करना शुरू कर दे। ऐसे कुछ जॉब प्रोफाइल है, मैं आप लोग को वन बाई वन बताता हूं, और यदि आप ऐसे जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हो करंटली या फिर फ्यूचर में काम करने का सोच रहे हो तो प्लीज आप कुछ और देखो, कुछ और स्किल सेट यार ऐड करो अपने करियर में, अपने स्किल सेट को इनहांस करो, बिकॉज ये सच बात है कि इन सारे जॉब प्रोफाइल को यार एआई सच में रिप्लेस कर रहा है और मे बी फ्यूचर में ये टोटली खत्म हो जाए। तो यार जो जॉब रोल जो जॉब प्रोफाइल जिनको एआई काफी इजीली रिप्लेस करने वाला है यार, वो है कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, डेटा एंट्री जॉब, कस्टमर सपोर्ट का जॉब, ईमेल राइटिंग, बुक कीपिंग, ये सारे जो जॉब रोल है यार, ये इनको एआई काफी इजीली रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस करने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लें कि यदि आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे ये एक ईमेल लिखना है, मेरा ये सिनेरियो है, ये कंडीशन है, आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा, चैट जीपीटी आपको ईमेल लिख करके दे देगा टोटली, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आपको ईमेल लिखने के लिए इंप्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी यार सफिशियंट है। सपोज करो कि आपको स्क्रिप्ट लिखना है, आप स्क्रिप्ट राइटर रखे हुए हो, आपने हायर किया हुआ है, सपोज करते हैं आप यार चैट जीपीटी को बोलो आप अपना लाइक टॉपिक बताओ, आप अपना कंडीशंस बताओ, आपको वो स्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट फॉर्मेट लिख कर दे देगा, आपको जो एडिट करना है उसमें आप कर लो। तो यार चैट जीपीटी काफी ज्यादा सफिशियंट हो रहा है इन सारे जॉब रोल के लिए और काफी इजिली इन सबको रिप्लेस कर रहा है और काफी जल्दी यार, ये आप कह सकते हो कि फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 सालों में यार मे बी
पूरा तरह से ये चैट जीपीटी कवर कर ले और ये सारे हायरिंग्स बंद हो जाए फ्यूचर में। यार मैं यदि सिंपली आप लोग को समझाऊं तो जो भी आईक्यू से रिलेटेड जॉब है उनको चैट जीपीटी वेरी इजीली रिप्लेस करने वाला है फ्यूचर में। और जो भी ईक्यू से रिलेटेड जॉब है जैसे कि एक एचआर का जॉब हुआ, वहां पे यार चैट जीपीटी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि वहां पे एक इंसान का होना जरूरी है, बिकॉज किसी को आपको कन्विंस करना है, किसी को मोटिवेट करना है ज्वाइन करने के लिए, या फिर वहां पे एक मुझे लगता है इंसान की जरूरत है, तो वो जॉब है काफी सेफ है, उनको रिप्लेस करना इजी नहीं है चैट जीपीटी को। बट जो भी आईक्यू से रिलेटेड जॉब है, जो भी इंटेलिजेंस की जहां पे जरूरत है यार, वहां पे तो मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में आपको चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से हावी हो जाएगा और ऐसे जॉब को वो रिप्लेस कर देगा। यार मैं आप लोग के नॉलेज के लिए एक और बात बताऊं तो एआई खुद को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है डे बाय डे, बिकॉज यार वो ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा है, वो पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो भी आप पूछते हो क्वेश्चन उसका वो रिप्लाई करता है, उसको फीडबैक भी मिलता है कि आप उसने जो रिप्लाई करा आंसर वो सही था कि नहीं सही था, वो एक्सेप्टेबल था कि नहीं था। तो वो जब इंटरेक्ट करता है एआई तो खुद को वो डे बाय डे इंप्रूव भी करता है। जैसे कि यदि आप कोई क्वेश्चन आज पूछ रहे हो और सेम क्वेश्चन आज से 3 से 4 दिन बाद पूछो तो आपको हो सकता है इंप्रूव्ड वर्जन मिले उस आंसर, उस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो पिछले 4 दिन पहले वाले से इंप्रूव्ड मिले, बिकॉज एआई खुद को इंप्रूव करता है। अब बात कर लेते हैं, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है क्या आईटी सेक्टर खत्म होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, तो यार इसका आंसर है बिग वाला नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। हाँ कुछ जॉब रोल्स हैं, कुछ जॉब प्रोफाइल हैं जो सच में डेंजर में है, खतरे में है, जिनके ऊपर एआई हावी हो सकता है, वो मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन कौन से जॉब रोल हैं जिनके ऊपर एआई काम करेगा, एआई उनको रिप्लेस कर देगा, इजिली कर देगा। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे जॉब रोल हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, जैसे जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं यार, उनकी कभी भी नीड खत्म नहीं होगी, उनका हमेशा नीड रहेगा। यदि आप स्किल्ड इंजीनियर हो, आपके पास जो लाइक ट्रेंडिंग स्किल है, जो रिक्वायर्ड स्किल है, यदि आपको आता है, आपको अच्छे से आता है, तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। यदि आप ट्रेंडिंग स्किल जानते हो, डिमांड स्किल आपके पास है, तो आपका डिमांड हमेशा बना रहेगा, ऐसा कभी नहीं है कि आपका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। यार सिंपल है, आप किसी के रिश्तेदार तो हो नहीं कंपनी के कि हाँ आप रिश्तेदार हो, आपको उठा ले, आपके पीछे 10 लोग ऑलरेडी खड़े हैं, 10 या 100 लोग खड़े हैं यार, तो उनमें से वो क्यों नहीं चूज करेगी? तो आपके पास वैलिड रीजन होनी चाहिए कि आपको वो क्यों ले, वो कौन सा रिक्वायर्ड स्किल है जो आप फुलफिल कर रहे हो, और वो कौन सा रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है जिनको आप सॉल्व करने वाले हो। आपके पास वो रीजन होना चाहिए कि आपको वो क्यों हायर करे, क्यों ले, आपके पास ऐसा क्या है, बिकॉज आपके पीछे ऑलरेडी 100 लोग खड़े हैं, आपको उनको पीछे करके आपको बताना है अपने हायरिंग मैनेजर को, अपने लाइक इंटरव्यूअर को कि मेरे पास ये सारी स्किल है जो आपको जरूरत है और मैं उसके लिए परफेक्ट हूं। यार काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है क्या इंजीनियरिंग करना सही होगा फ्यूचर में, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं और जॉब ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, आप इंजीनियरिंग चूज करो, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको वो स्किल्ड इंजीनियर बनना है, बस केवल डिग्री लेकर के जॉब्स लाइक कॉलेज से नहीं आना है, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होनी चाहिए। केवल डिग्री लेकर बाहर आओगे तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है वहां पे कि आपको उठाकर हायर कर ले, आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होनी जरूरी है, तभी आपको कोई नौकरी देगा, अदरवाइज नहीं देगा, आप घूमोगे यहां वहां। तो आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट होनी चाहिए, अपने आप को स्किल्ड इंजीनियर बनाओ, ऐसे बस केवल इंजीनियर मत बनाओ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मैंने काफी जो भी क्वेश्चन यार उनके आंसर दे दिए हैं, मोटा मोटी जो भी था आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।